गाइस फोटोशॉप में 3D टेक्स्ट इफेक्ट आप लोग सीखने चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल आपका लिए है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में कैसे करके जो 3D इफेक्ट 3D टेक्स्ट पोर्ट्रेट इफेक्ट कैसे करके क्रिएट होता है। ओके, तो हमारा एक टेक्स्ट लेयर का ऊपर बहुत सारा ट्यूटोरियल है, आप लोग देख ही सकते हो, तो आप लोग चाहो तो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ओके, और आई बटन में भी हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वो टेक्स्ट जो हम क्रिएट किया वो देख सकते हो। ओके, तो आज हम लोग जो देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, ये देखिए वाई लेटर का ऊपर एक जो मॉडल है, कोई भी मॉडल व कोई भी कोई इमेज कैसे करके मार्क्स करते हैं, तो टेक्स्ट मार्किंग जो इफेक्ट कैसे करके होता है फोटोशॉप में, तो वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो ट्यूटोरियल शुरू करने का पहले जो बात हम सब समय बोलेंगे कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखिए आप लोग देख सकते हो 80% व्यूअर्स हमारा वीडियो देखता है बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों यार, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, हमको थोड़ा सा मोटिवेट होता है और नया नया ट्यूटोरियल बनाने के लिए। ओके, तो जो फ्रेंड अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, और ट्यूटोरियल अच्छा लगे हो तो एक तो लाइक करो, हमको कमेंट करके बोल सकते हो, आपको कोई भी रिक्वेस्ट होने से भी आप लोग बोल सकते हो, हम जरूर एक ट्यूटोरियल बना देंगे। ओके, और मेरा फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, और देखिए स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज का जो टेक्स्ट मास्किंग जो इफेक्ट है फोटोशॉप में कैसे करके क्रिएट होता है, तो वो हम लोग सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए हम लोग फोटोशॉप में आ गया है, तो देखिए ए वाला जो लेटर पोर्ट्रेट मैंने फोटोशॉप में क्रिएट करेंगे, तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, तो आप लोग ट्यूटोरियल पूरा देखो। ओके, तो देखिए मॉडल मैंने इधर इंपोर्ट करके रखी हूँ, ये मॉडल को देख लेकर मैंने ये जो टेक्स्ट पोर्ट्रेट क्रिएट किया हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करने होगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होगा, तो इसीलिए मैं फाइल पर जाऊँगी, देन हम लोग न्यू ऑप्शन में जाऊँगी। ओके, तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, आप लोग कोई भी बैकग्राउंड साइज यूज़ कर सकते हो, तो हम देखिए इधर 9020 एंड 180 पिक्सल रख के मैंने क्रिएट ऑप्शन में क्लिक किया। ओके, तो एक बॉक्स आ गया, आप लोग देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए इधर ग्रेडियंट कलर जो मैंने यूज़ किया, तो वो ग्रेडियंट कलर हम लोग पिक करेंगे कलर। ओके, तो जस्ट देखिए फोरग्राउंड कलर बॉक्स मैंने क्लिक करके ये वाला कलर मैंने पिक कर लिया। ओके, देन ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एडजस्टमेंट पैनल से देखिए हम लोग सॉलिड कलर लेंगे, तो ये वाला डार्क कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो इसके बाद एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट करूँगी, इसका जो लाइट कलर है वो लाइट कलर सिलेक्शन करके ओके किया, देन ब्रश टूल हम लोग अप्लाई करेंगे, ब्रश टूल लेकर देखिए हम लोग मिडिल पे एक लाइट क्रिएट करेंगे। ओके, तो ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा दिया। ओके, तो इसके बाद हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे, तो हम वाइट टेक्स्ट मैंने लिखूंगी, आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, नहीं तो आपका जो नेम है नेम का फर्स्ट लेटर भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो वाई लेटर मैंने लिख लिया है, कोई भी फॉन्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो हम जो फॉन्ट इधर यूज़ किया है देखिए, तो फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये सोर्स बोल के एक मैंने ये सोर्स सेंस प्रो बोल के हम जो फॉन्ट यूज़ किया। ओके, तो इसके बाद लेटर को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे, कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके हम लोग बड़ा करेंगे, तो पूरा समान बड़ा होगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग सेट कर दिया। इसके बाद क्या करने होगा, हमको जो मॉडल है मॉडल को सिलेक्शन करने होगा, तो पेन टूल का मदद से हम लोग सिलेक्शन करेंगे, तो फटाफट से मैंने सिलेक्शन कर लेता हूँ। ओके, देखिए हमारा इधर सिलेक्शन हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग अप्लाई लेयर मार्क्स कर देंगे, एंड मॉडल को लेकर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे
लेटर का ऊपर, ओके। इसके बाद कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट कर लिया, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो वाई दोनों जो इधर है ना, वाई जो स्टैंड है, तो इसका जो मिडिल पार्ट में हम लोग मॉडल को सेट करेंगे, ओके। तो ऐसे करके मैंने सेट कर लिया, ओके। तो ऐसे करके सेट किया कर लिया, देन हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके इधर क्लिप ऐड कर देंगे। तो क्लिप देखिए इधर ऐड हो गया, देन हम लोग कंट्रोल जे करके और भी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूंगी। देन हम लोग जो मार्क्स ऑप्शन में जाएंगे एंड कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस आई प्रेस किया, देखिए कन्वर्ट हो गया, ओके। तो इसके बाद हम लोग ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, फोरग्राउंड कलर व्हाइट कलर सिलेक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, जो जो पार्ट हमको चाहिए वो हम लोग ब्रश टूल का मदद से मैंने रिटर्न लेके आ गया, ओके। तो ऐसे करके हम लोग रिटर्न लेके आ गए, ओके। तो इसके बाद दोनों लेयर सिलेक्शन करके थोड़ा सा हम लोग इधर एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे करके, देन हम लोग देखिए हमारा जो इधर जो टेक्स्ट पोर्ट्रेट देखिए इधर क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए इधर थोड़ा सा हमको इधर इरेज करना चाहिए, तो वाई जो लेयर है ना, लेयर सिलेक्शन करके कंट्रोल प्रेस करके हम लोग सिलेक्शन किया, देन देखिए ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे, कन्वर्ट सिलेक्शन हो गया। देन हम लोग इधर इरेजर टूल लेंगे, इरेजर टूल का मदद से हम लोग क्या करेंगे, इधर जो हमारा जो मॉडल लेयर है ना, मॉडल लेयर का मार्क्स मैंने सिलेक्शन करूँगी, तो इरेजर टूल हमको नहीं चाहिए क्योंकि मार्क्स है, तो इसीलिए ब्रश टूल सिलेक्शन करके फोरग्राउंड कलर इधर ब्लैक करके हम लोग इधर इरेज कर देंगे, जो जो पार्ट हमको नहीं चाहिए वो इरेज कर देंगे, ओके। कंट्रोल डी कर लिया, देन देखिए इधर जो हैंड इरेज हो गया, तो मैंने फिर से रिटर्न लेके आएंगे, तो इसीलिए फोरग्राउंड कलर व्हाइट करके हम लोग देखिए इधर ब्रश टूल देके इधर मैंने रिटर्न लेके आ गया, ओके। ओके, सो गाइस देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, तो इसीलिए टेक्स्ट लेयर का ऊपर जस्ट डबल क्लिक किया, लेयर देखिए इधर टेक्स्ट सिलेक्शन हो गया, तो इधर देखिए कलर बॉक्स है, कलर बॉक्स जस्ट क्लिक करके ये वाला कलर मैंने पिक कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा हमको लाइट कलर चाहिए, ये वाला कलर मैंने सेट करके ओके किया, ओके। तो इसके बाद टेक्स्ट लेयर का ऊपर डबल क्लिक किया, लेयर स्टाइल बॉक्स आ गया, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड करेंगे, तो वाइट वाला जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा ड्रॉप शैडो मैंने दे दूंगी, देखिए थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगेगा, ओके। तो इसके बाद देखिए टेक्स्ट कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, तो इसीलिए जस्ट सिलेक्शन करके हम लोग ये वाला कलर सिलेक्शन कर दिया, तो डार्क जो रेड कलर मैंने सिलेक्शन करके ओके किया, तो देखिए हमारा जो मॉडल इमेज इधर क्रिएट हो गया, तो इमेज को थोड़ा सा क्लैरिटी हम लोग देंगे तो इमेज थोड़ा सा बेटर लगेगा, तो इसीलिए एक न्यू लेयर क्रिएट करके मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, मार्ज इमेज आ गया। हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन शार्पन, देन आंसर बॉक्स, ओके। तो देखिए इधर डायलॉग बॉक्स आ गया, अमाउंट रेडियस एंड थ्रेशोल्ड देके मैंने ओके किया, तो इधर देखिए टोटल इमेज हमारा क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए हम इधर टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ, आप लोग कोई भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, तो हम देखिए इधर जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, वो टेक्स्ट को देखिए लेटर पोर्ट्रेट बोल के, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टेक्स्ट को लेकर देखिए इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ओके। तो आप लोग कोई भी कोई नाम यूज कर सकते हो, नहीं तो आपका नाम भी इधर यूज कर सकते हो, ओके। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट इधर क्रिएट हो गया, तो आप लोग चाहो तो आपका खुद इमेज देके आप लोग क्रिएट कर सकते हो, लोगो यूज कर सकते हो, ओके। सो गाइज आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आई होगा, हमारा ये ट्यूटोरियल से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिली है आप लोग का, आप लोग कुछ सीखी हो तो ये ट्यूटोरियल से, तो प्लीज एक लाइक करो और हमारा साथ में रहो, और नया नया ट्यूटोरियल बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि नया नया ट्यूटोरियल आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू फ्रेश ट्यूटोरियल के साथ, तब तक लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।